हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धुन कीर्ति की। और मैं हूँ कीर्ति नरवाल हुड्डा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपने घर आई हुई हूँ, और क्यों आई हुई हूँ उसका रीज़न आपको आज इस व्लॉग में पता चलेगा। तो वो मैंने पहले से ही शूट करके रखा हुआ है आपको बताने के लिए, तो आप पहले वो देखिए फिर आगे की बात करते हैं। तो आज जैसे कि आप देख रहे हो फैमिली बैठी है पूरी, हमें आपको एक चीज़ बतानी है कि जो सबसे ज्यादा स्पेशल है करिश्मा के लिए, क्योंकि हर लड़की की लाइफ में वो चीज स्पेशल होती है। पिछले साल मेरी थी, आपको आइडिया लग ही गया होगा क्या कह रही मैं। वो है करिश्मा की अब शादी होगी मार्च में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप बताओ मम्मी, आप खुश हो? खुश हो बेटा। कुछ कहना चाहोगे? मम्मी तारीख बताएंगी शादी की? हाँ बताओ, किस डेट को? ये बता दो। 28 मार्च को। 28 मार्च को शादी है, 27 को सारे फंक्शन है, 28 को शादी है। शादी उत्सव बहुत बढ़िया होता है। हमने एक साल पहले कीर्ति की शादी की, तो उसमें भी सारे रिश्तेदार सारे यारे प्यारे बहुत खुश रहे। 3 दिन वो प्रोग्राम चला और 2-3 दिन अब ये भी चलेगा, 27-28 मार्च को। और फिर बाद और फिर उसके बाद एक और स्पेशल प्रोग्राम होएगा, पापा की रिटायरमेंट। हाँ, 28 को शादी और 30 को पापा की रिटायरमेंट। क्योंकि 30 का संडे है तो एक दिन पहले होगी, तो इसलिए ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं घर में। हाँ, अखिल अभिषेक जो मेरे दोनों भाई वो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो वो शादी में आ पाएंगे। अभिषेक मेरी शादी में तो आया नहीं था, अब आ जाएगा, अब करिश्मा की में आ जाएगा, तो ये अच्छी बात है। और आज करिश्मा का बर्थडे है। आज करिश्मा का बर्थडे है, वो हमने सेलिब्रेट कर लिया, केक कट कर लिया, अच्छे से खाना वाना खा लिया, स्पेशल हो गया, स्पेशल हो गया। तो आज हमने सोचा सब इकट्ठे हैं, रेडी भी हो रहे हैं सब, तो आज बता ही देते हैं। बर्थडे भी मार्च में, शादी भी मार्च में। अरे खास बात हो रही नहीं, ये पैदा भी वीरवार हो रही थी। अच्छा, शादी भी वीरवार होते हैं। अच्छा हाँ, और इनका इनका ब्याह भी कल होना, वो भी वीरवार है। अच्छा। और एक और बात, मम्मी पापा की 28 फरवरी की शादी, इसकी 28 मार्च, 28-28 सारी राइमिंग फिट बैठ रही है। तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि करिश्मा की शादी है। यही एक चीज थी जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे लगा टाइम आने पे बताते हैं तो थोड़ा टाइम पास आ जाएगा। और 6 मार्च को जो करिश्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, उसी दिन मैंने उसको शूट कर लिया था कि आप सबको बताना है, बट वीडियो मैं आज डाल रही हूँ। तो अब शादी के बस 4-5 दिन ही रहते हैं, तो मैंने सोचा अब आपको बता दूँ और ये व्लॉग डाल दूँ, तो आप देखना और अपनी अच्छी प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स करिश्मा को देना, तो उसकी एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।